हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, वाचिंग सुपर फास्ट सब एटॉमिक पार्टिकल मूव, तो ये हमारा एक आज का आर्टिकल है, मुझे इंपॉर्टेंट लगा है। इन आर एवरीडे लाइफ्स वी आर फेमिलियर विद द प्रोसेस दैट हैपन सो फास्ट वी आर अनेबल टू ऑब्जर्व देम कम्प्लीटली। कुछ चीज़ें इतनी फास्ट होती है जिसको हम लोग देख भी नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन बुलेट इज फायर्ड एट एन एप्पल वी सी द आउटकम अ स्मैश्ड एप्पल, बट आर अनेबल टू कैप्चर द एंटायर प्रोसेस विच टेक्स बेयरली फ्यू मिली सेकेंड्स। With the help of camera that has a very high shutter speed, it is possible to see every step of the bullet piercing the apple and coming out of it, destroying the apple in the process. तो शटर स्पीड ज़्यादा वाला कैमरा आप लगाएंगे और आप स्लोमो यूज़ करिए अपने फ़ोन का, तो आपको ये पूरा प्रोसेस दिखेगा। बट देर आर लॉट ऑफ अदर प्रोसेस इन द यूनिवर्स डेट आर इंक्रेडिबली फास्ट, स्पेशली एट एटोमिक एंड सब एटोमिक लेवल। अब एटोमिक और सब एटोमिक लेवल पे क्या बात हो रही है देखते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स मेक मूवमेंट्स और चेंजेस दैट टेक जस्ट अ फ्यू पिको सेकेंड्स, अ ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, और 10^-12 सेकेंड, और फेमरो सेकेंड्स दैट इज 10^-15 सेकेंड्स, -15 सेकेंड्स। तो आप देखिए, 10^-12 और -15 सेकेंड्स लगते हैं वो सारे चेंजेस होने में। कहाँ पे? एटम में और सब एटमिक लेवल्स पे। साइंटिस्ट्स फाउंड इनोवेटिव वे टू ऑब्जर्व दिस प्रोसेस यूजिंग अनइमेजिनेबली शॉर्ट पल्स ऑफ लाइट, सिमिलर टू यूजिंग एक्सट्रीमली हाई शटर स्पीड कैमरा, बट देन दे हिट अ बैरियर अ मैटर ऑफ एटो सेकेंड्स। देखते हैं क्या है। देर वर प्रोसेस दैट वर इवन फास्टर, हैपनिंग विद इन अ फ्यू एटो सेकेंड्स, थाउजेंड्स ऑफ फेमटो सेकेंड्स और 10^-18 सेकेंड्स। अ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम फॉर इंस्टेंस, फॉर अ लॉन्ग टाइम फेमटो सेकेंड्स फोटोग्राफी वॉज कंसिडर्ड द लिमिट, प्रोडक्शन ऑफ शॉर्ट पल्सेस ऑफ लाइट इन द एटो सेकेंड्स रेंज, ठीक है, डिड नॉट सीम पॉसिबल टिल द वर्क ऑफ पियरी एगोस्टिनी और फेरेक क्राउज एंड एन एल हुलियर मेड इट पॉसिबल। तो यहाँ पे इनकी बात हो रही है, आप देखिए यहाँ पे इन तीनों की बात हो रही है कि इन तीनों के वजह से एट्टो सेकेंड्स वाली चीज़ें हम आज भी कैप्चर कर पा रहे हैं। आज भी क्या मतलब, आज कर पा रहे हैं। द 58-year-old फ्रेंच मैन एगोस्टिनी, 61-year-old हंगेरियन क्राउज एंड 85-year-old एल हुलियर, ऑल्सो फ्रेंच, वर ऑन ट्यूजडे अवॉर्डेड द 2023 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेटेड अ सेकेंड पल्स ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोडाइनमिक इन मैटर। इन द प्रोसेस एच हुलियर बिकेम द फिफ्थ वुमेन टू विन द फिजिक्स नोबेल। तो ये हमारे लिए फिफ्थ वुमेन ये बनी है, अभी तक चार को ही मिला था। कल के आर्टिकल मैंने कवर किया था फिजिक्स के फील्ड में, चार औरतों को ही मिला है, ये फिफ्थ हुई है इस बार, तो इनका नंबर फिफ्थ हो चुका है, ठीक है, बड़ी बात है। दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज द फैंटेस्टिक रिकॉग्निशन। ऑल द थ्री हैव प्रोक्योर्ड सम वंडरफुल साइंस विच कैन बी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव। अनदर पियर्स और हु हैव बीन ट्रिमेंडस कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड वॉज पॉल कॉर्कुम, हु प्रोवाइडेड द साइंटिफिक इंसाइट इन टू द एक्सपेरिमेंटल डेटा दैट वॉज बींग जनरेटेड बाई द थ्री विनर्स, सेड एम कृष्णमूर्ति ऑफ द हैदराबाद सेंटर ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हु वर्क इन अ रिलेटेड फील्ड। देखो, ऑटो सेकेंड साइंस क्या है। टू ऑब्जर्व एनी प्रोसेस द मेजरमेंट मस्ट बी मेड एट अ पेस क्विकर देन द रेट ऑफ चेंज। दिस इज हाउ क्लियर इमेज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर जनरेटेड। फॉर एग्जाम्पल, बाई मेकिंग द शटर ओपन एंड क्लोज फास्टर देन द मोशन बींग कैप्चर्ड, बट देर इज अ लिमिट हाउ फास्ट द शटर स्पीड कैन बी। लाइट पल्स द ओनली प्लॉसिबल टूल टू कैप्चर प्रोसेस एट एटॉमिक लेवल कैन नॉट बी मेड इनफाइनाइटली शॉर्टर। लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव और वाइब्रेशन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पल्स वुड हैव टू बी एटलीस्ट 1 साइकिल लॉन्ग, इक्विवेलेंट टू इट्स वेव लेंथ। फॉर ऑल शॉर्ट ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय लेजर सिस्टम दिस साइकिल कुड टेक एटलीस्ट अ फ्यू फेमटो सेकेंड्स टू कम्प्लीट।
This was longer than the subatomic motion that was happening in the matter of attoseconds. Scientists were therefore unable to glimpse the motion of electron with existing technology. Femtosecond pulse had enabled scientists to observe the process happening at the atomic and molecular level, but when moves further down the subatomic level, things start to happen even faster. तो देखो फेमटो सेकेंड्स के साथ क्या हो रहा है, हम मॉलिक्यूलर लेवल पे तो जा रहे हैं पर सब मॉलिक्यूलर एटॉमिक लेवल पे हम नहीं देख पा रहे, क्योंकि वहाँ पे एट्टो स्पीड की बात आ जाती है। तो वहाँ पे फेमटो क्या हो गया आपका, देखिए मैं आपको चलिए समरी में बता दूंगा, ठीक है। द डायनेमिक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल आर 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन दैट ऑफ द एटम। अ लॉट ऑफ दैट हैज टू डू विद इनर्शिया। एटम इज हेवियर बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस एंड हैज ग्रेटर inertia. Lower the inertia, faster the dynamics, said Sri Verma Krishnan, an associate professor of IIT Madras, who used femtosecond and attosecond light pulse to study the dynamics in nanoscale system. Working independently, Agostini, Krauss and L. Hulier developed innovative method, usually by mixing lights of different wavelength to produce attosecond pulse, which the Nobel Prize committee said open window to explore phenomena that were previously impossible to observe. तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग वेवलेंथ वाले लाइट को मिला दिया है। वॉचिंग इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स, अब देखिए यहाँ पे ये बात हुई थी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हम देख रहे हैं फास्ट क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस में आप देखिए न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है और ये आपका पूरा एक एटम होता है। तो यहाँ पे इसके पास वेट होता है क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस पे, इलेक्ट्रॉन के पास वेट नहीं होता है तो वो और फास्टर मूव करते हैं, इसलिए वो और फास्ट होता है। इट इज़ नेचुरल फॉर साइंटिस्ट टू ट्राई दैट एंड ऑब्जर्व एवरी स्टेप ऑफ अ प्रोसेस सो दैट दे कैन फुल्ली अंडरस्टैंड इट। मोर इम्पोर्टेंटली इट अलाउ साइंटिस्ट टू कंट्रोल द प्रोसेस बाय ट्वीकिंग एन इमीडिएट स्टेप बाय ऑब्टेनिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स। As Krishnan said, scientists are interested not just in watching film, they would have to like a script the next film. In fact, this is the third Nobel Prize in the field of the last three decades, underscoring the potential benefits of a science. The 1998 Nobel Prize in Chemistry to Egyptian scientist Ahmed Zewail and 2018 Nobel Prize for Physics to Gerard Mourou, Donna Stickel and Arthur Erskine were for breakthrough in related science. ठीक है, ये आप देखिए पहले अवार्ड मिल चुका है। इतना पोटेंशियल इशू यूज़ क्या है इसका, attosecond science has potential application in a variety of area from electron to medicine. तो इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मेडिसिन में इसका यूज़ है, across discipline in the physics, chemistry and biology. One of the active area of research during this technology is in medical science, particularly in finding therapies of cancer care and Kamal P. Singh of IISER Mohali who too works with femtosecond laser. अब देखते हैं हम लोग इसमें हमारे आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, देखिए सबसे पहले अब देखिए सबसे पहले हमारे लिए यहाँ पे एट्टो सेकेंड इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देखिए फेमटो सेकेंड होता है 10 to power -18 सेकेंड, ठीक है, नहीं नहीं थाउजेंड्स ऑफ ये फेमटो सेकेंड है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आप देखिए पीको सेकेंड्स 10 to power -12 सेकेंड हो गया, और उसके बाद आप देखिए ये क्या है आपका पीको सेकेंड, ये हो गया, ठीक है, फेमटो सेकेंड्स हो गया आपका 10 to power -15 सेकेंड, ठीक है, और आप देखिए एट्टो सेकेंड, ये हो गया
टेन पावर माइनस 18 सेकेंड। तो पी एफ ए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये आपका सेकेंड्स है, ये और छोटा पार्ट होते जा रहा है। अब देखिए क्या होता है, ये आपका एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, और बाहर में आपके नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। तो जो हम देखते थे एटॉमिक लेवल पे और सब एटॉमिक लेवल पे, ठीक है, एटॉमिक लेवल पे, ये आपके फेमटो सेकेंड्स में 10^-15 की स्पीड से चीज़ें चल जाती थी। पर सब एटॉमिक लेवल हो गया आपके इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर, तो ये आपके 10^-18 के स्पीड से चीज़ें यहाँ पे चलती है, तो हम इसको देख नहीं पाते थे। तो अभी क्या हुआ है, ये जो तीन लोग, ये देखिए, ये फिफ्थ वुमेन है जिनको मिला है नोबेल प्राइज दिस ईयर, फिफ्थ वुमेन, और ये तीनों के नाम आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। पर आप देखिए ये फिफ्थ वुमेन है तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। इन्होंने क्या किया है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ टू प्रोड्यूस एक्टोपल्सेस। तो इन्होंने डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट्स को मिलाया है और उसके बाद इन्होंने ये बनाया है जिसके वजह से हम लोग इस सेकेंड में भी देख सकते हैं, इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में भी हम लोग देख सकते हैं। अब इसका यूज़ आप देखिए कहाँ पर है, कैंसर केयर से लेके आपका मेडिसिन से लेके फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हर जगह इसका यूज़ है। और आप देखिए साइंटिस्ट्स ने ये सारी चीज़ें काम की हैं। इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स हम लोग ने देखा कि इलेक्ट्रॉन फास्ट है, यही जो मैंने समझाया है वही लिखा है। फेमटो सेकेंड आप लोगों को हर जगह पता चल जाना चाहिए, फेमटो सेकेंड क्या है। ये आर्टिकल में हमारे लिए इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनका नाम ध्यान रखिए, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि कोई भी स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, अगर कहीं भी करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें वुमेन एम्पावरमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो ये एल हुलियर, एन एल हुलियर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फिफ्थ वुमेन बनी है जिनको फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है। सो थैंक यू गाइज एंड वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।